दादी को आप लोग टेस्ट करेंगे। ठीक है, खूब टेस्टी, झाल कम, लवण कम, सब तक मिसे गए, खूब दारुण टेस्टी लगती से। देखिए फ्रेंड्स, बहुत हेलो फ्रेंड, नमस्कार, स्वागत है आप लोग का अनुराधा विलेज ब्लॉग में। कैसे हैं, उम्मीद करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज दादी क्या बना रही है। देखिए आज मटन बनाएगी। देखिए इधर धो के रखी है मटन। देखिए अभी कढ़ाई में तेल दे रही है। दादी का रेसिपी देखिए कैसे बनाती है। तेल दिए, देखिए इधर मसाला है, इधर प्याज काट के रखी है, इधर मसाला पीस के रखी है, मिर्ची है, ये आदी, जीरा, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट है, और प्याज, अभी इधर तेल गरम हो रहा है। थोड़ा सा नमक दे दी, क्योंकि प्याज जल्दी पकेगा, इसलिए थोड़ा नमक दी। हल्दी दे रही है, कितना सुंदर अभी प्याज फ्राई हो रहा है। देखिए फ्रेंड, आप लोग जरूर बंगाली मसाला को हमारे हाथ बटाई देना रे। ये देखो मसाला दिला, देखे ना हम की रखो भाई। हम तो कौन मतन रान्ना करी जानी ना, किंतु ता अवश्य हम करे देखती सी निजे थके जे पारी कि ना पारी, पारी ना लारी। देखो आप लोग भी एक बार ऐसे बंगाली स्टाइल में बना के देखिएगा फ्रेंड्स, ऐसे खाने में बहुत अच्छा लगता है। एक बार हम भी एक बार दादी का हाथ में खाए थे तो बहुत टेस्टी था। आप लोग भी घर में एक बार इस तरह से मटन बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। आप लोग भी एक बार बना के जरूर देखिएगा, ट्राई मारिएगा घर में। अब थोड़ा दे देगी नमक, कलर देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर है। देखिए फ्रेंड्स, मेरा कॉल आ गया था, इसलिए फ्रेंड्स हम इधर कॉल रिसीव कर लिए थे, इसलिए तब तक दादी मटन डाल दी थी। देखिए अभी मटन को फ्राई कर रही है। देखें कोनो दिन कोरी नहीं रान्ना कोरी नहीं, एको नहीं जा रान्ना बोसाई थी, रान्ना कोती थी, मांस दी दिलाम, मसाला दी दिलाम। देखें एक तो दया करे দেখেন টেস্টি যখন লাগবে খাইয়ে দেখেন। এই দেখো মাংস হয় যতটুকু, এখন আবার জল দিব। দেখে ফ্রেন্ডস কিতনা সুন্দর কালার হে মটন কা, দেখি অল্প জল দিয়ে দিলাম, এই জল দিয়ে একটু সিদ্ধ হবে, তারপরে যতটুকু আমি ঝোল রাখি ততটুকু আমি জল দিব, আবার জল দিব, বুঝতে পারছো?
इसको थोड़ा एटा भाजा हो जाए, इसको फ्राई कर रही है। हाँ, एक भाजा हो जाए तारपरे जतटूक हमार मन इच्छा है ततटूक ढोल रख देखे देखिए फ्रेंड्स अभी इधर आँच लगा दिए थोड़ा। देखिए फिर उतारेगी थोड़ा। देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर आँच लग रहा है, देखिए कितना सुंदर। देखिए इधर दादी बना रही है, ये दादी का रेसिपी है। अभी लकड़ी लाने जा रही है, ये दादी का घर है। देखिए इसी में रहती है दादी, उधर है चौकी उसी में रहती है, इधर बर्तन। फ्रेंड्स फ्राई हो गया, अच्छा से भूज ली है। अब एक पीस भूजा हुआ उठा के टेस्ट करके देखेगी कैसा नमक उमक कैसा है, इसके बाद पानी दे के ग्रेवी बना लेगी। कितना अच्छा कलर आया है, देखिए मटन का कितना अच्छा कलर आया है। दादी को आप लोग सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स। देखिए एक चीज दादी निकाली है, अभी इसको टेस्ट करके देखेगी कैसा है, फिर आप लोग को बताएगी। मसाला सब थोड़ा बैठ गया। देखिए ग्रेवी के लिए आप पानी दे दी, और देगी क्या शायद नहीं इतना दादी। हम लोग का गांव का दादी है ये, अब मेरा घर का बगल की है। देखो कीरकम होछे, देखे जान सपोर्ट दिबेन, ভালো হলো না হলো দেখে ভালো তো হওয়ার দরকার আছে। ये दादाजी को अब थोड़ा सा गिरा लेगी दादाजी के लिए। पहले दादाजी को दे लेती है फिर खाती है। देखिए ये दादाजी को दे, देखो देखिए अब टेस्ट करेंगे। ठीक है, लवणो भालो आसे, झालो भालो आसे, सबटाई भालो आसे। टेस्टी, खूब टेस्टी, झाल कम लवण कम सबटाते मिशे गेछे, खूब दारुण टेस्टी लागतेछे। देखिए फ्रेंड्स बहुत टेस्ट बना है, दादी बोल रही है। इधर देखिए इधर मटन बन रहा है। देखिए फ्रेंड्स अभी लकड़ी लगा रही है, आँच दे रही है। अब दो मिनट में अब बन जाएगा फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में बने रहिए, दादी को सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स, आप लोग दादी को सपोर्ट कीजिए। अब इसमें मीट मसाला देखिए उतार लेगी। देखिए इधर मीट मसाला ला के रखी है। देखिए अब इसको राकेश का मीट मसाला है, इसको देखिए अब उतार लेगी दो मिनट में। अब बन गया है देखिए फ्रेंड, कितना सुंदर कलर आया है। देखिए देखिए फ्रेंड्स अभी इधर काट रही है मीट मसाला को। देखिए मसाला दिए दिलाम, मीट मसाला को दे रही है। बहुत जल्दी बनने वाला मटन फ्रेंड खास, अब बहुत ज्यादा टेस्टी बनता है। हम खा के देखें एक बार फ्रेंड्स, दादी का हाथ में बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा, घर में ऐसे बना के जरूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए देखिए अब उतार लेगी।
দেখো এখন মাংস হয়ে গেল দেখো এই দেখো নাড়ে ঘাটে দিলাম নাড়ে চাড়ে দিলাম দেখিয়ে फ्रेंड्स আবু এই যে দেখো হয়ে গেল এখন মাটন একটু পরে এই যে দেখেন দেখিয়ে फ्रेंड्स কিতনা সুন্দর লাগতে দেখো তো দেখো এই যে পিস ठीक है फ्रेंड्स आप लोग भी ऐसे बना के देखिएगा घर में ठीक है फ्रेंड्स अब मिलते हैं अगला ब्लॉग में लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा तब तक के लिए बाय बाय।